बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आर एस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आर एस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की शत प्रतिशत रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। लाइव और मैं हूं चंदन। आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना नाता तोड़ दिया और उसके बाद से तमाम बिहार के जिला मुख्यालयों में बीजेपी का धरना चल रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे। सम्मानित सांसद और बिहार प्रदेश के सह संगठन प्रभारी श्रीमान हरीश द्विवेदी जी से आग्रह है कि आप आवे और हम सबको संबोधित करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी से बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा जनादेश से विश्वासघात का जो एक दिवसीय धरना बिहार के सभी जनपदों में हो रहा है, इस अवसर पर सिवान में इस धरने का की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, संचालन कर रहे हरेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद जी, विधायक दुरौधा श्री रणजीत सिंह जी, विधायक भुरिया कोठी देवेश कांत सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मन्नू सिंह जी, पूर्व एमएलसी मनोज सिंह जी सहित इस धरने में बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माताएं, बहने, पुत्र, भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, 3 दिन पहले बिहार के सरकार से जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी, उस सरकार से इस्तीफा दे करके यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने राजद से समझौता किया और फिर शपथ ग्रहण किया। हमारे तमाम वक्ताओं ने इसकी चर्चा की है, मैं उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद होगा 2020 के चुनाव में मैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों की तैयारी में लगा था, और उस समय जब मैं गांव में प्रचार करने जाता था तो गांव का गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहने ये कहती थी कि आप लोग गलत कर रहे हैं, अगर आप लोग अलग से चुनाव लड़ते तो अब की बार बिहार में मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा गठबंधन बहुत पुराना है,
नीतीश कुमार को हमने इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया कि हमको उनको मुख्यमंत्री बनाना है। हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि बिहार पूरे देश में बहुत पिछड़ गया था। बिहार में सड़कें नहीं थी, कानून का राज नहीं था, बिहार में रोजगार नहीं था, बिहार में शिक्षा नहीं थी या बिहार में चिकित्सा नहीं थी, बिहार में गरीबी है। उस गरीबी को दूर करने के लिए, बिहार का विकास करने के लिए, बिहार में अच्छी सड़क बनाने के लिए, बिहार में अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए, बिहार में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रोजगार देने के लिए हम गठबंधन किए हैं। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने कहा हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके सरकार बनाएंगे, बिहार को और आगे ले जाएंगे। इस संकल्प को लेकर के हमारी सरकार ने बार बार हमारे कार्यकर्ताओं का भी अपमान होता था, हमारे नेताओं का भी अपमान होता था, हमारे मंत्रियों की बात सुनी नहीं जाती थी। उसके बावजूद बिहार के हित में, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए, बिहार में अच्छी सड़क बनाने के लिए, बिहार में उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए हमने नीतीश कुमार जी की बात को, अपमान को सह करके वह सरकार चलाने का प्रयास हमारी पार्टी ने किया। लेकिन आपने देखा अभी नीतीश कुमार जी, मैं परसों वहां पर धरना था, सरकार जो विश्वासघात माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया था। एक दिन की तैयारी, एक दिन भी नहीं, 5-7-10 घंटे की तैयारी में जिस प्रकार पूरे पटना के लोग, अगल बगल के लोग जिस आक्रोश के साथ इस सरकार के, जो नई सरकार बनी है उसके विरोध में हमारे धरने में शामिल हुए, उससे यह संदेश स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी को गया, पूरे बिहार को गया कि जो अपराध नीतीश कुमार जी आपने किया है बिहार की जनता के साथ, बिहार के लोगों के साथ, बिहार के विकास के साथ, वह जनता, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। और यह मैं कह सकता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार गरीबों के लिए जो योजना बनाते थे, प्रधानमंत्री आवास की योजना बनाई जाती थी, प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार और यहाँ पर हमारे मंत्री, हमारे नेता जब चाहते थे सरकार में, कैबिनेट की बैठक में कि बिहार के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, उसमें भी आपकी रुचि नहीं रहती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है, वो बिहार के गरीबों को पहुंचाया जाए, उसमें आपकी रुचि नहीं रहती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, हमारी सरकार कहती थी, हमारे नेता कहते थे कि बिहार को उद्योग, बिहार में उद्योग धंधे बढ़ाए जाए। हमारे शहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री बने, पूरे देश के लोगों से, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात करके यहाँ उद्योग धंधा खोल रहे थे, उसमें आपकी रुचि नहीं थी। साल साल भर लग जाता था कैबिनेट में पास करने में, क्योंकि बिहार, नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाए, बिहार के लोगों का विकास हो जाए, क्योंकि उनको पता है जब बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार का विकास होगा, तो बिहार के लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा यह विकास अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने किया है। आज बिहार में नीतीश कुमार जी दिल्ली में जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कहते हैं पत्रकारों से कि बिहार में हमने अच्छी सड़क बनाई। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, यहां के जदयू के नेताओं से, कि जब से सरकार बनी है अलायंस की, सड़क मंत्री कौन था, पथ निर्माण मंत्री कौन था, आप लोग बताइए कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी, हमारे केंद्र की सरकार गडकरी जी। आज हाईवे बना है पटना में, तमाम रिंग रोड बने हैं, तमाम अच्छी अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छे अच्छे पुल बने हैं। किसने बनाया? हमने बनाया। यहाँ की सरकार में मंत्री, पथ निर्माण मंत्री हमारी पार्टी का, विकास हमारी पार्टी कर रही है, और गिना रहे हैं आप अपने खाते में। तो आपने जो धोखा किया है बिहार की जनता के साथ, आज बिहार की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 2020 में वोट आपको नहीं दिया था क्योंकि आपके खिलाफ इतना आक्रोश था, गांव गांव में लोग गाली दे रहे थे। वो तो लोगों ने, मोदी जी लोगों से निवेदन किए कि बिहार को और विकास के रास्ते पर ले जाना है और आगे बढ़ाना है, बिहार को देश का नंबर वन प्रदेश बनाना है। इस नाते बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब लोग मोदी जी की बातों पर, भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास करके यहाँ पर हमारी सरकार बनाने में सहयोग, और आज उस जनादेश के साथ आपने विश्वासघात किया, आपने धोखा किया। आज बिहार की भी जनता देख रही है और देश की जनता देख रही है। कभी कभी होता है जब कुछ बगैर किए मिल जाता है तो महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ जाती है। आप जब अपने पुराने मित्र के साथ थे, आप पीछे पीछे घूमते थे, वहां से आप आए हमारी पार्टी के साथ,
हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आपको रेल मंत्री, कृषि मंत्री बनाया गया। आपको कम विधायक होने के बावजूद हमने इतना बड़ा दिल दिखाया, कम विधायक होने के बावजूद हमने बिहार में आपको मुख्यमंत्री बना दिया। वो आपकी मोह में नहीं बनाया था, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, बिहार के गरीबों, किसानों, मजदूरों, माताओं, बहनों के विकास के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन आपने बार बार धोखा दिया, बार बार धोखा दिया, बार बार धोखा दिया। और गए किसके साथ? अभी हमारे विधायक की चर्चा कर रहे थे, हमने आपके ऊपर, आज भी हम लोग, कोई हमारे जनप्रतिनिधि ने कोई आप ऐसा आरोप आपके ऊपर नहीं लगाया, आपको गाली नहीं दिया, लेकिन आप उसके साथ गए जो आपको क्या से क्या नहीं कह दिया। भतीजे के चर्चा कर रहे थे, भतीजे ने कहा कि सबसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री अगर कोई देश में है, और उसने तो यहाँ तक कहा भाई भाजपा को गलिया आएगा, विरोधी दल का नेता है, उसने कहा भाजपा से भी बड़ा अगर कोई झूठ बोलता है नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा गाली आपको दी है, लालू जी गाली दिए, और आपके गोल्डन सिंह जी हमारे साथ सांसद देते रहते हैं, क्या बोलेंगे वही नहीं जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मन साफ करके और अभी चर्चा कर रहे थे ओम प्रकाश यादव जी, वहां पे काम कर रही थी कि नीतीश कुमार जी ने अपने के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ क्या किया, इनकी नीति है जिनकी उंगली पकड़ करके नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी का क्या हासिल हुआ। उसके बाद शरद यादव जी, शंका नहीं था शरद यादव जी आए, उनका क्या अपना फैसला रहा। उसके बाद जो आपके परिवार के जाति के आप के क्षेत्र के आपके क्लास में पढ़े साथ मित्र रहे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने पार्टी के लिए कितना काम किया, पार्टी के लिए कितना संघर्ष निकाला, लेकिन उनका क्या हासिल किया। अब ललन सिंह जी को भी लग रहा है यही हासिल नीतीश कुमार जी हमारा करेंगे, इस नाते ललन सिंह जी लग करके चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उस लायक नहीं ही रह जाए कि हमारा कोई हासिल पार्टी ही समाप्त कर दी जाए। किस दिशा में आज बिहार को ले जाने का प्रयास होना हो सके। आज अभी ओम प्रकाश जी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर दो विधायक धरना दे रहे थे, कितनी गोलियां चली, जंगल राज था, उस जंगल राज को समाप्त अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार ने, हमारे दबाव में समाप्त हुआ है। आप इसी रास्ते पर आप ले जा रहे हैं, हम जब चर्चा करते हैं कि हम धारा 370-35 से समाप्त करेंगे, आज से नीतीश जी के पेट में दर्द नहीं है, पिछले डेढ़ दो सालों से दर्द है, तो कहते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कैसे समाप्त करेंगे। हम कहते हैं पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके पेट में दर्द हो जाता है। हम कहते हैं पटना का जो एसपी आरएसएस को ये बारे में नाम सुना बोला, हम कहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनके पेट में दर्द हो जाता है। हम कहते हैं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनके पेट में दर्द हो जाता है। और उनका कोई मुख्य सचिव है, लोग बता रहे थे कि वो छोटे छोटे काम में जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो दर्द तो वो है, बहाना दूसरा। और इस नाते आज बिहार की जनता ये महसूस कर रही है, जिस प्रकार मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में देश के गांव गरीब किसान मजदूर के बारे में, बिहार के गांव गरीब किसान मजदूर के बारे में काम किया है, उनके विकास के लिए काम किया है, उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया, हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी पहुंचाने का काम किया, हर गरीब को 2,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपया गरीबों का दवा कराने की बात की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब माताओं बहनों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए यह योजना बनाई। इस नाते आज देश का भी गरीब, अभी कल सर्वे हुआ, नीतीश जी के बीजेपी सरकार से इस्तीफा देने के बाद, राजद के जहां राजद में जाने के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद सरकार बनाने का सर्वे हुआ, और उससे भी सर्वे में ही बता रहा है कि बिहार में अकेले भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीट जीत करके जाएगी और देश में 350 सीट जीत करके सरकार। तो नीतीश बाबू ये सपना शायद आपका सपना नहीं रह जाएगा, लेकिन अब वो भी सोच रहे हैं अंतिम पारी है, थोड़ा चांस ले लिया,
जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं अगली बार अंतिम में हो सकता जीत वो ही चांस ले रहे हैं, लेकिन देश की जनता और बिहार के गरीब किसान लोगों को ये समझ रहे हैं कि आप देश का बिहार का विकास रोकना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री को, आप फिर बिहार के गरीबों का जो कल्याण होती है वो रोकना चाहते हैं अपने चाहे सड़क मंत्रालय हो, चाहे उद्योग मंत्रालय हो, जो भी मंत्रालय हमारे पास थे मंत्रालय के द्वारा जो काम हुआ है उन बातों को लेकर के जाइए, चर्चा करिए और इतना ही ना चर्चा करिए। ये शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी में मुझे लोग बिहार के बता रहे थे कि शराबबंदी इसलिए नहीं है कि लोगों को शराब पीने से मना किया जाए, शराबबंदी इसलिए है कि जदयू के खाते में ब्लैक मार्केट के माध्यम से कैसे उनके कोष में पैसा आ जाए। वह ब्लैक मार्केटिंग जो जदयू के नेता कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से, उस बात की चर्चा होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ये बालू और मोरन कितना कितना राजस्व आता था, कितना राजस्व आ रहा, क्यों नहीं आ रहा राजस्व? क्योंकि ये जदयू के नेता सरकार के खाते में पैसा नहीं डाल रहे हैं, वो चोरी करके जदयू के कार्यालय पर जदयू के कोष में डाल रहे हैं। आज इसी नाते इतना महंगा हो गया, गरीब घर नहीं बनवा पा रहा है। इस बात की भी चर्चा लोगों से लेकर के जाना चाहिए। कल भारतीय जनता पार्टी ने सबसे मेरा निवेदन है जितने हमारे बिहार मंत्री है, हर जिला सभी लोग एक एक पर जाकर के खाने में शामिल हो और जनों में इस परिस्थितियों में जब इस तरह से विकास का काम हो रहा है, किस मुख्यमंत्री जी बिना कारण का भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे गठबंधन के साथ ऐसे दल के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिए, जो बिहार को मुद्दा किया था कि बिहार की जनता यह संकल्प लेकर के 2024 में इस लायक भी नहीं छोड़ेगी कि लोकसभा में जदयू का या राजद का कोई प्रतिनिधि अपनी बात भी रख पाएगा। 100% सीट बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, लेकिन हम सबको आम जनमानस के बीच में जाकर के मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को पहुंचाना है। यही निवेदन करते हुए आप सब इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, इस बात को लेकर के जन जन में जाइए, यही निवेदन करते हुए मैं पूरा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह सबसे, कल हर बैठिए, आप हर प्रखंड पर धरना देंगे, साथ ही सुबह में 13 तारीख है हर घर तिरंगा के तहत अपने अपने घर पर अपने घर के छोटे बच्चों से निश्चित रूप से झंडा लगाकर तो धरना पे जाएंगे। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ सामान्य जिला अध्यक्ष श्री संजय कुमार पांडे जी से कि अपनी बात रखते हुए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और सभा की अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन आप देखे होंगे कि सर्वे आया है अभी पार्टी के चुनाव के बाद ऐलान करने के बाद प्रदर्शन में शामिल भारतीय जनता पार्टी हमारे बिहार के और नरेंद्र भाई मोदी भाई जनता पार्टी के स्वाह प्रभारी एक चीज और मैं बताऊंगा के सांसद 29 में भी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी प्रधानमंत्री बने यहाँ उपस्थित। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे विश्वासघात को लेकर के सांसद चल रहा है सिवान के और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक तमाम लोग यहाँ बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी तरीके से जो हमारे मित्र और जलौदा के विधायक रंजीत सिंह जी और नीतीश कुमार धरना में उपस्थित आज बीजेपी यहाँ पर धरना पर मनोज कुमार चिंदी चौक पर दे रही है हमारे दमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। JNS पब्लिक स्कूल गोपालपुर श्यामपुर सिवान। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑन एवरी सैटरडे, वेल ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स।
best transport facilities for students and staff. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040. अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सलोन सिवान। मेन एंड वुमेन, फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918, ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। पाथी भरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुंचे पाथी भरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सिवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज अमल में आ चुका है और अब सिवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सिवान और उसके आतराफ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सिवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अकामती इंतज़ाम के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूं कि इसका भरपूर। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑन एवरी सैटरडे, वेल ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040. पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान, तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618।